दोस्तों आज बात होगी साउथ एशिया में बसे एक बेहद ही खूबसूरत और विकसित देश सिंगापुर के बारे में, जो मॉडर्न सिटी ही नहीं बल्कि एक सपनों की दुनिया है जहां हर कोई जाना चाहता है। क्या आप जानते हैं सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसका कैपिटल भी सिंगापुर है और देश भी सिंगापुर है, जो कि साउथ एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। पर दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है सिंगापुर इतना छोटा सा देश है लेकिन फिर भी इतना आगे कैसे बढ़ गया? शायद आपको पता ना हो, भारत की आज़ादी के 18 सालों के बाद इस देश को आज़ादी मिली, लेकिन यह हमारे देश से कैसे 18 गुना तेजी से आगे बढ़ गया। दरअसल यहाँ की सरकार जो भी कदम उठाती है उसे पूरा करती है। यहाँ के लोगों के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है कि सिंगापुर का हर छठा आदमी करोड़पति है। क्षेत्रफल के अनुसार सिंगापुर विश्व में 179 नंबर पर आता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 728 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं यहाँ की जनसंख्या 57 लाख के आसपास है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 8,358 लोग रहते हैं। दोस्तों धर्म की बात की जाए तो यहाँ ज्यादातर लोग ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। सिंगापुर में जो करेंसी चलती है उसे सिंगापुर डॉलर कहा जाता है, जो कि एक सिंगापुर डॉलर भारत के 55 रुपए के बराबर है। दोस्तों सिंगापुर का कॉलिंग कोड +65 है और यहाँ के लोग बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। सबसे मजे की बात तो यह है कि सिंगापुर में एक भी शेर नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी इसे सिंहों का घर यानी सिटी ऑफ लायन कहा जाता है। यह देश इतना खूबसूरत है कि इस देश की आबादी से ज्यादा यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर पिछले साल आंकड़ों की माने तो इस देश में लगभग 1,12,00,000 लोग इस देश को विजिट करने के लिए आए थे। दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे, यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत सख्त है, इसे फाइन का देश भी बोला जाता है। मतलब छोटी छोटी गलती के लिए भी आपको यहाँ भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही यह देश ईमानदारी के मामले में विश्व में छठे स्थान पर आता है। दोस्तों सिंगापुर की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग ही नहीं बल्कि हर जगह पर घने पेड़ देखने को मिलेंगे। सिंगापुर के नियम कायदे के अनुसार जितनी जमीन पर बिल्डिंग बनाई गई है उसके कम से कम एक हिस्से में पेड़ लगाना अनिवार्य है, जिसकी वजह से आज सिंगापुर बहुत ही ग्रीन सिटी और हरा भरा सिटी बन चुका है। इस देश की इतनी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पॉल्यूशन ना के बराबर है। दोस्तों सिंगापुर दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहाँ अश्लील मूवी देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपकी खैर नहीं। साथ ही आपको बताता चलूं, सिंगापुर में गे मैरिज को भी गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों सिंगापुर का ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, जो यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ मंदारिन, मलय और तमिल भाषा भी बोली जाती है। दोस्तों सिंगापुर दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहाँ क्राइम ना के बराबर होती है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में सिंगापुर डेनमार्क के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसीलिए तो सिंगापुर घूमने फिरने के लिहाज से सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।